Hello friends, welcome back to my channel. This is Siddhant Pawar and सबसे पहले तो आप सभी को good morning. जैसे कि आप सभी को पता है, मैं रोज़ाना vocabulary के कुछ sessions आप सभी के लिए लेकर के आता हूँ, क्योंकि इस time अपना जो है classes तो offline तो चल रही नहीं है, तो सभी teachers कुछ ना कुछ try कर रहे हैं कुछ अच्छा आपको provide कराने का, कुछ अच्छी चीज़ें आपको मिले जिससे आपका जो momentum है study के लिए बना रहे. ठीक है, तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं जो आज का सेशन लेके आया हूँ उसमें आपको कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स याद करने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे. जो सेशन रहेगा हमारा, इसमें हम बेसिकली कवर करेंगे जब भगवान श्री राम ने वो परशुराम के एक डायलॉग के ऊपर, ठीक है, वो अपना एक धनुष था उसको प्रत्यंचा चढ़ा करके उसको तोड़ा था. ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब सीता माता का स्वयंवर होने जा रहा था तो उस टाइम क्या था कि जो जनक महाराज थे उन्होंने एक कंडीशन रखी हुई थी कि कोई भी वॉरियर, कोई भी वीर योद्धा जो इस धनुष की प्रत्यंचा को, स्ट्रिंग को इस पे चढ़ा देगा और धनुष को वहां से हिला करके उठा देगा, ठीक है, तो उसकी प्रोविस से, उसकी वीरता से प्रसन्न होकर के वो माता सीता का विवाह उस वीर के साथ में कर देंगे. ठीक है, और जो माता सीता की स्वयंवर की जो माला थी वो भी उसी योद्धा के गले में पड़ेगी जो अपनी इस युद्ध कौशल को, अपनी इस वीरता को, अपनी इस प्रोविस को सिद्ध कर देगा. ठीक है, तो महाराज जनक की ये जो शपथ थी, ये जो वोव थी, वो यही थी. वापस से आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ, रिइटरेट कर देते हैं अपने से, कि जब कभी अपने रामायण के एपिसोड्स देखे होंगे तो उसमें माता सीता का जो स्वयंवर है उसमें आपने यही देखा होगा, यही सुना होगा. आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग भी बताते होंगे कि माता सीता का स्वयंवर किस प्रकार से किया गया था. ठीक है, तो जब उस टाइम में स्वयंवर की सभा में दूर दूर से देशों के राजा महाराजा वहाँ पे आए हुए थे, अतिथेय के रूप में आए हुए थे. ठीक है, तो वहाँ पे सभी योद्धा अपना अपना प्रयास करके जा चुके थे, किसी से वो धनुष, किसी से वो हिला नहीं था. ठीक है, अब होता क्या है कि महाराज जनक हो जाते हैं थोड़े सैड, डिस्ट्रेस हो जाते हैं, वो थोड़ा सैड फील करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आज शायद हमारी जो पुत्री है सीता वो अविवाहित ही रह जाएगी, और क्योंकि इस भरी सभा में कोई भी एक ऐसा योद्धा, सिंगल योद्धा तक नहीं मिला मुझे जो इस धनुष को तोड़ सके. ठीक है, तो इससे गुस्से होकर के लक्ष्मण जो है, भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जो है, खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि ये आपका सोचना बिल्कुल निरर्थक है, मीनिंगलेस है, क्योंकि जब इस सभा में सूर्यवंशी, सूर्य डायनेस्टी के, यानी कि सन डायनेस्टी के वंश के जो सीन है, हमारे जो सूर्यवंश है उसके जब तक योद्धा इस राज्यसभा में मौजूद हैं, SCION, इट मीन्स होता है वंशज, और वंश होता है डायनेस्टी, DYNASTY, इसके जगह पे अपन एक वर्ड और यूज कर सकते थे, दैट इज क्लैन, CLAN. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए आगे देखते हैं. तो ऐसा जब वो कहने लगे लक्ष्मण कि ये आप सब हम सूर्य वंश का अपमान कर रहे हो और हम किसी भी कार्य को करने में असफल नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनकी तरफ भगवान श्री राम जो कि बहुत ही मन से ट्रैंक्विल, शांत रहते थे, और अगर शांत चित्त के रूप में आप किसी एक एग्जाम्पल, देवता का किसी का एग्जाम्पल दोगे तो आप भी हमेशा यही बोलोगे कि भगवान श्री राम से अधिक ट्रैंक्विल इस दुनिया में कोई भी देवता नहीं हुआ है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अब वो जो है भगवान श्री राम वहाँ पे लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, और वहाँ पे जो साधु संन्यासी बैठे हुए थे वो भी सभी कहते हैं कि लक्ष्मण आपको इस तरीके से इनका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है. ठीक है, अब एक साइड में वहाँ पे सीता माता अपने हाथों में वरमाला लेकर के, इम्पीरियस ड्रेसेस पहन करके, इम्पीरियस मीन्स होता है शाही, तो शाही कपड़े पहन करके बिल्कुल कमल नयनी लग रही थी, जैसे कमल के फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है उसके जैसी उसकी मृग नयनी, जिसको अपन बोल सकते हैं कि हिरण के जैसे आंखों वाली, मोटे मोटे नयनों वाली जो सुंदरता की देवी सीता वहाँ पे अवैश परिपूर्ण रूप से अपने नयनों को झुकाए हुए
इस दृश्य को देख रही थी, ठीक है। और मन ही मन ये इम्प्लोर कर रही थी, ये बिसीज कर रही थी, ये सप्लिकेशन कर रही थी। इन तीनों का मीन्स भी एक ही होता है, दैट इज विनय। वी कैन से प्रेयर, वी कैन से इम्प्लोर, वी कैन से बिसीज एंड वी कैन से सप्लिकेशन, ठीक है। तो वो मन ही मन ये कर रही थी, प्रार्थना बिसीज कर रही थी कि मैं इस स्वयंवर के बाद में कहीं अविवाहित तो नहीं रह जाऊंगी, क्योंकि वो जो धनुष था भगवान श्री राम ने तोड़ने से पहले की बात है ये, ठीक है। तो ये जो धनुष था ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, किसी योद्धा से उठेगा या नहीं उठेगा, ऐसे सारे उसके मन में क्या आ रहे थे, विचार आ रहे थे, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि वो बिल्कुल डिस्ट्रॉट आइज से, डिस्ट्रॉस मीन्स होता है व्याकुल, ठीक है। व्याकुल मीन्स जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेव हो जाते हो और आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और आप मतलब एक तरीके से असहाय हो जाते हो, हेल्पलेस हो जाते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से वो देखती रहती है कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। और वो भी प्रेयर में लग जाती है, बिसीज करने लग जाती है कि भगवान करे ऐसा हो कि राम भगवान से ये धनुष उठ जाए और वह इसकी प्रत्यंचा चढ़ा करके, इसके स्ट्रिंग चढ़ा करके इसे तोड़ दें, ठीक है। अब कुछ कुछ उसे ट्रिफल कुछ ऐसा आभास हो रहा था कि शायद ये कर देंगे, और वो मन ही मन ये सोचने लग रही थी कि मुझे भगवान श्री राम की जो क्या बोलते हैं उसे अर्धांगिनी बनने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस प्रकार से वो अपने पीयूष रूपी नेक्टर रूपी आईज से, उसकी आंखों से एक प्रकार से नेक्टर झलकता था, यानी कि एक अमृत जैसा फीलिंग होता था। और उसे कहीं ना कहीं पे ये रिपेटेंस भी हो रहा था कि कहीं उसने पिछले जन्म में कोई गलत कार्य कुछ ऐसा किया हो जिसका उसको इतना क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा अपने स्वयंवर को एक अच्छे सुयोग्य वर की तलाश के लिए, ठीक है। तो आज के सेशन में अपन इतने ही वर्ड्स को कवर करने वाले हैं, और कल मैं इसी टाइम पे आप सभी के लिए ये जो अपना सेशन चल रहा है वोकैबुलरी का, भगवान श्री राम ने जब धनुष को तोड़ा, तो उस वाले सेशन को अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और इससे अच्छे वर्ड्स आपने लॉकडाउन में कभी नहीं सीखे होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इन सारे वर्ड्स को अपने नोटबुक में, जो कि आप वोकैबुलरी के स्पेशल नोटबुक रखते हो, उसी में आप उनको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपन इसी टाइम पे, तब तक के लिए आप इन वर्ड्स को याद करिएगा, ठीक है, बाय।